नमस्कार, NBC के बॉलीवुड बफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। बफ के भाईजान यानी कि हमारे सलमान खान का आज 56वां जन्मदिन है। जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले अभिनेता सलमान खान के साथ एक हादसा हो गया। खबरों की माने तो सलमान को सांप ने काट लिया है, जिसके चलते उन्हें नवी मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके पनवेल फार्म हाउस पर एक सांप ने उन पर हमला कर दिया है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब सलमान बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अपने घर भी लौट गए हैं, जिसके चलते उनके पिता सलीम खान ने एक इंटरव्यू में इस घटना पर बात की। देखिए खास रिपोर्ट। अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दिए गए बयान में कहा है कि वह पूरी तरह से ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह बहुत सुबह सुबह हुआ, लेकिन अब वह ठीक है। इन जीवों का जंगल के आसपास पाया जाना काफ़ी आम बात है। डॉक्टर ने कुछ दवाई लिखी हैं, जिससे वह पूरी तरह से ठीक है। बता दें कि सलमान खान ने रविवार रात अपने फार्म हाउस पर एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी की। इस बर्थडे पार्टी को बहुत ही करीबी लोगों के साथ सेलिब्रेट किया गया था। इसमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी। यह पार्टी काफ़ी आलीशान और शानदार थी। एक्टर सलमान खान ने अपना जन्मदिन अपनी भतीजी आयत के साथ शेयर किया। यहां तक कि दोनों ने एक साथ केक भी काटा, क्योंकि आयत का जन्मदिन भी 27 जनवरी को ही आता है। बताते चली कि करीब 6 घंटे बाद सलमान को छुट्टी दी गई है। खबरों की माने तो सलमान अब अपने फार्म हाउस पर वापस आ गए हैं। ट्रीटमेंट के बाद सलमान ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर कहा है कि मेरे फार्म हाउस में एक सांप घुस आया था, मैं उसे लाठी की मदद से बाहर ले गया, लेकिन वह धीरे धीरे मेरे हाथ के पास आ गया और उसने मुझे 3 बार काटा। यह सांप एक तरह का जहरीला सांप था। मैं 6 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहा, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बॉलीवुड की सभी खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए NBC हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।